हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो अभी एप्लीकेशन इसका चालू है, तो इसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, बहुत बड़ी चेंजिंग की है। इसमें लाखों स्टूडेंटों को मतलब बहुत बड़ी झटका मिल सकती है, क्योंकि इसमें वैकेंसी है जो आपका कम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, ऑफिशियल नोटिस जारी है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग किया गया है नोटिफिकेशन में। तो आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम आपको ऑप्शनल नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें क्या चेंजिंग किया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं कि ऑप्शनल नोटिफिकेशन है ये। तो देखिए, इसमें आपका जो पुराने नोटिफिकेशन था पैरा नंबर 14.3 में चेंजिंग किया गया है। तो उसमें पहले था वैकेंसी का आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 1.5, जितने वैकेंसी है उसका 1.5 गुना लड़के को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से भी जानते हैं मतलब 1 लाख का जैसे वैकेंसी था, 1,03,000 समथिंग, तो उतना का तो जॉब मिलेगा और 50% आपका वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा। पहले नोटिफिकेशन में यही था। तो अब इसमें क्या चेंजिंग किया गया है कि देखिए, इसमें मात्र 1.05 मतलब कि मात्र 0.05% का वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा, जो आपका 5,000 से 10,000 के आसपास आती है। आप लोग 0.05 × 100 × 1 लाख कीजिएगा तो काट के 0,0, मात्र 5,000 का वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि रेलवे ने आपका 30 से 40 हज़ार वैकेंसी कम कर दिया है। इसमें जो वेटिंग लिस्ट रहने वाला था उसमें 40,000 वैकेंसी कम कर दिया है। तो देखिए, ये गवर्नमेंट की बड़ी साजिश कह सकते हैं। देखिए, इससे क्या होगा कि देखिए, पहले रेलवे ग्रुप डी का था, अभी NTPC है, टेक्नीशियन है। अगर मान के चलिए हर रेलवे ग्रुप डी में कोई भी बंदा जाता है तो उसमें 30 से 40% लड़के उसको एक साल के अंदर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरे जॉब उसके लग जाते हैं अच्छे इससे, तो वो छोड़ देते हैं, तो वैकेंसी खाली रह जाती थी। तो वेटिंग लिस्ट रहता था तो पीछे से उनको बुला लिया जाता था, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी तो वो वैकेंसी होगा क्या कि अब गवर्नमेंट बताएगी कि देखिए, हम तो 1 लाख वैकेंसी लाए और जो वैकेंसी रह गई वो फिर न्यू वैकेंसी के थ्रू लाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए, फिर से मैं इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से लाया, ये बताया जाएगा। तो ये इससे गवर्नमेंट को बहुत शो करने के लिए हो जाएगा कि हाँ, मैंने 2 बार वैकेंसी, इतनी इतनी बड़ी वैकेंसी लाई। अगर वेटिंग लिस्ट रहता तो आप लोग भी जानते हैं कि अभी NTPC है, किसी का NTPC में हो जाता, ग्रुप डी में पहले अगर हो जाता तो वो छोड़ के NTPC में आ जाते, तो यहाँ पर बहुत वैकेंसी खाली रह जाती थी और पीछे वाले वेटिंग लिस्ट रहते थे उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब वेटिंग लिस्ट यहाँ से मान के चलिए हटा दिया गया है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो वैकेंसी जितनी थी उसको कम कर दिया गया है। तो इसी नोटिफिकेशन में आपको जारी किया गया है कि मात्र 1.05 का यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट टोटली हटा दिया गया। तो यही आपका नोटिफिकेशन है। तो आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं पूरा, फाइनली आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या पूरा साजिश है। तो चलिए, जैसे कोई अपडेट आते हैं तो हम आपसे फिर मिलते हैं। जब तक थैंक यू सो मच।